नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। लखनऊ के डालीबाग की मस्जिद वाली गली में छापेमारी की गई है। मुख्तार के करीबी पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। सीआरपीएफ घर के बाहर लगाई हुई है। अफजाल अंसारी और उसके भाई के घर पर छापेमारी जारी है। ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। किसी को भी घर के अंदर या बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा गाजीपुर में भी मुख्तार और अफजाल अंसारी के घर ईडी ने छापेमारी की है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद स्थित आवास पर ईडी की टीम इलाहाबाद से पहुंची। साथ ही मुख्तार अंसारी के करीबी गणेश दत्त मिश्रा, विक्रम मगररी और मुख्तार खां के घर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। ईडी ने पुलिस फोर्स के साथ सभी के आवासों को घेर लिया है। यहां तक कि बाहरी लोगों को अंदर आने जाने की हिदायत नहीं है। इससे पहले सांसद अफजाल, विधायक अब्बास और मनु समेत पूर्व विधायक मुख्तार सबकतुल्लाह ने ईडी से पूछताछ की है। आपको बता दें कि ईडी लगातार इनसे पूछताछ कर रही है और मुख्तार के करीबियों पर एक एक करके ईडी की छापेमारी लगातार जारी है, जिसकी वजह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ जो है वो घर के बाहर लगी हुई है। कोई भी ना तो घर के अंदर जा सकता है, ना ही बिना परमिशन के घर के बाहर आ सकता है। तो ये तस्वीरें हैं। लखनऊ हो चाहे गाजीपुर, मुख्तार अंसारी के करीबियों पर छापेमारी की कार्रवाई ईडी लगातार कर रही है। इसी खबर पर ज़्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी दानिश मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दानिश, हम देख रहे हैं कि सुबह से ही ईडी की छापेमारी जो है वो मुख्तार अंसारी की करीबियों पर पड़ रही है, और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ना तो घर के अंदर और ना तो घर के बाहर किसी को भी जाने की कोई परमिशन है। क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि ये जो हम छापेमारी है लखनऊ के डालीबाग की मस्जिद वाली गली में है, और अचानक सीआरपीएफ पहुंचती है। वहां पर मुख्तार अंसारी के जो भाई हैं अफजाल अंसारी, उनके जो करीबी हैं, उनके आवास को घेर लिया जाता है, और अचानक कोई समझ नहीं पाता है कि किस बात की छापेमारी है। बाद में पता चलता है कि मुख्तार अंसारी की ईडी की छापेमारी है, जहां पर ये सीआरपीएफ अंदर और बाहर दोनों जगह पर प्रोटेक्शन में तैनात है, लेकिन किसी को आने और जाने की इजाजत नहीं है। आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ गेट के बाहर भी है और दाएं से बाएं और पीछे भी है, लेकिन छापेमारी किस बात की है ये अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, और वहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि मीडिया बाहर जमावड़ा जमा हुआ है उनका, लेकिन मीडिया को कुछ भी बोलने के लिए और कुछ भी बताने के लिए कोई भी अब तक नहीं आया है, और ना ही इस पर कोई रिएक्शन आया है। लेकिन ये छापेमारी बार के करीबी पर है, जिसको ईडी की छापेमारी कहा जा सकता है, और ईडी ने किस बात की छापेमारी की है कि उस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया कि ये किसने कैश बरामद होने की छापेमारी है या किसी लेन देन को लेकर छापेमारी है। हालांकि शिकंजा तो उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के 2.0 में लगातार माफियाओं पर कस रहा है। अब अगर मुख्तार अंसारी की बात की जाए, या उनके करीबी अफजाल अंसारी की बात की जाए, या उनके परिवार वालों की बात की जाए, तो लगातार छापेमारी चल रही है, और ये छापेमारी लखनऊ में आज सुबह से चल रही है। हालांकि ये छापेमारी डालीबाग स्थित आवास पर चल रही है। सूत्रों से जानकारी ये भी मिल रही है कि जितने भी आवास हैं, चाहे वो प्रयागराज में हो, चाहे वो आजमगढ़ में हो, मऊ में हो, उन सभी जिलों पर शायद ईडी की छापेमारी हो सकती है, और ईडी ने शायद कोई इनको शिनाख्त लगी होगी जिस पर ईडी ने छापेमारी शुरू की। ईडी क्या लगा है, समय हो गया है क्योंकि सुबह से ही इस तरह की खबरें सामने आ रही है। क्या कोई अपडेट है कि कब तक छापेमारी चलती रहेगी, बरामदगी किन किन चीजों की हुई है, कुछ भी खुलासा अब तक हो पाया है? देखिए, छापेमारी ईडी की अचानक हुई है और सीआरपीएफ बाहर तैनात है, तो जाहिर सी बात है सीआरपीएफ को इसीलिए तैनात किया गया है कि मीडिया का कोई भी आदमी अंदर न जाने पाए, और किसी पत्रकार को अब तक कोई भी रिएक्शन या प्रतिक्रिया नहीं दिया गया है। दूसरी चीज यह है कि छापेमारी किस बात की है, क्या क्या बरामद हुआ है, इसी को लेकर के अभी भी असमंजस बना हुआ है, क्योंकि हम लोग बाहर खुद मौजूद है वहां पर, और आप देख सकते हैं कि छापेमारी जो चल रही है, या ये ईडी की छापेमारी है, और मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी, उनके परिवार वालों पर ईडी की छापेमारी, तो जाहिर सी बात है जो ईडी की छापेमारी है तो उसी कैश या फिर संपत्ति को लेकर के ही छापेमारी होगी, उनके लेन देन को लेकर संपत्ति छापेमारी होगी, या अवैध संपत्तियों को लेकर के ईडी की छापेमारी होती है। लेकिन इसका खुलासा मुझे लगता है कि महाराष्ट्र बंगाल के बाद अब ईडी की जो टीम है वो उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। माफियाओं पर पहले ही योगी सरकार का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब ईडी की छापेमारी से ये साफ है कि जो भी अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की हुई है या कोई भी घोटाला किया हुआ है, अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक एक करके सबके जो राज है उन पर से पर्दा हट रहा है।
देखिए, ईडी की छापेमारी में एक सवाल विपक्ष ये भी खड़ा कर रहा था कि जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बोलेगा या सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलेगा तो ईडी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये सत्ता की छापेमारी नहीं है, ये यहाँ पर माफियाओं पर छापेमारी है। मुख्तार अंसारी के करीबी पर ईडी का छापा है तो जाहिर सी बात है जब ईडी का छापा पड़ता है तो वो अकूत संपत्ति, बैनामा फर्जी संपत्तियां और बेअर्जित की गई संपत्तियां, वो संपत्तियां जो अवैध से ब्लैक से बनाई जाती है यानी जो काली संपत्तियां होती हैं उन पर ईडी का छापा मारा जाता है। तो जिससे यह सकता है कि ईडी ने छापेमारी की है ये माफियाओं पर नकेल कसी जा रही है। हालांकि इससे पहले भी देखा जाए तो मुख्तार अंसारी के जो बेटे थे उन पर भी कहीं ना कहीं छापेमारी की गई थी पुलिस द्वारा, तो वो भी फरार चल रहे थे। अब यहां पर ईडी की छापेमारी, जब से योगी सरकार 2.0 आई है तब से मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, जितने बाहुबली भू माफिया है उन सब पर, जो गैंगस्टर के अपराधी हैं, जो माफिया हैं, उन सब पर जो है ईडी की लगातार कार्रवाई हो रही है और इसके साथ साथ पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। तो ये छापेमारी जाहिर सी बात है सेंट्रल की है यानी कि ईडी की है। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट पे जो छापेमारी होती है उस पे संपत्तियों के लेन देन की छापेमारी होती है, लेकिन इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया, ये एक सवाल है। और मीडिया को अब तक कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया गया है ये भी एक सवाल है। ठीक है, इस पर लगातार अपडेट दे रहे हैं, अब जैसे ही कोई अपडेट मिलता है नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो लखनऊ में भी लगातार मुख्तार अंसारी के जो करीबी हैं उनके घरों पर ईडी की छापेमारी जारी है। सीआरपीएफ बाहर तैनात है, किसी को भी कोई परमिशन ना तो अंदर जाने के ना ही बाहर निकलने के, ना ही अभी तक किसी सवाल का जवाब यहाँ पर मिल पाया है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।